तो देखो बच्चों, ये तो काफ़ी इजी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है इस पे। तो देखो, ये होगा ए स्क्वायर की पावर 3 माइनस बी स्क्वायर की पावर 3। और देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है कि बच्चों क्या है, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब बच्चों देखो, आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो या फिर इसको एज इट ही यहाँ पर छोड़ सकते हो। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की पावर 4 प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, या फिर आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, अब इसको कैसे किया जाए, देखो बच्चों, एक्स की पावर 6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बच्चों मुझे पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों देखो, ये लिख लेता हूँ मैं, तो ये होगा मेरा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा फिर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा आ चुका है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना। ये भी देखो देखो, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह, फिर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब हम 11th करते हैं।